तो ये एनर्जी ड्रिंक भी है, समझ लें कि न्यूट्रिएंट्स का तो बॉम्ब है ये। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सबसे प्रॉमिस किया हुआ था कि जो रेसिपी मैंने आमना को यूज़ करवाई थी कंसीविंग के लिए और बाद में भी टिल एंड तक डिलीवरी तक, तो वो मैं सबके साथ शेयर करूँगी। तो वादे के मुताबिक आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आपके यूट्रस पे कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो वो ठीक हो जाती है, अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो वो बैलेंस हो जाते हैं, और कोई भी अगर आपके यूट्रस में मसला होता है इससे ठीक हो जाता है, और ये बेस्ट है कंसीव करने के लिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं एक एक करके आपको साथ हम स्मूदी बनाएंगे और साथ में आपको बताऊंगी। तो चलिए अपनी स्मूदी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दूध ऐड करते हैं, बनाना ऐड करेंगे। बनाना बहुत ही बेनिफिशियल है यूट्रस के लिए, स्पेशली इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। केल ऐड करेंगे, अगर आपके पास केल नहीं है तो फिर आप स्पिनिच यूज़ कर सकते हैं, या कोई सा भी फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो यूज़ किया जा सकता है। 1 टीस्पून हेम्प सीड यूज़ करेंगे, ये हार्मोन्स इम्बेलेंस के लिए और मिसकैरेज को रोकने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। 1/4 स्पून जिंजर डालेंगे, और जिंजर जो है ये इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इसमें आप परेशान ना हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसीव करने के बाद भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि दूध है उसकी वजह से इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। मोस्टली औरतों को होता है कि गर्म होने की वजह से कैरिज हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। 1 टीस्पून चिया सीड यूज़ करेंगे, और ये सुपर फूड है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आपकी सोच है। 1/4 टीस्पून टर्मरिक या हल्दी यूज़ करेंगे, और हल्दी भी इन्फ्लेमेशन के लिए और यूट्रस की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे एंडो वगैरह होती है, कोई ज़ख्म होता है, ये उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। 1 टीस्पून नट्स का यूज़ करेंगे, 1 कप काजू, 2 कप बादाम, 1/2 कप फ्लेक्स सीड, 1/2 कप पम्पकिन सीड्स, 1/2 कप वॉलनट, 1/2 कप सनफ्लावर सीड लेंगे, ये क्रश किए हुए हैं। और मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट से भी मशवरा किया था, उसने मुझे नट्स का ही मशवरा दिया था कि ये ज़रूर ज़रूर यूज़ करें, ये कंसीविंग में और थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये स्मूदी आमना को मैंने पहले भी दी थी कंसीविंग के लिए भी, और उसके बाद डिलीवरी तक 9 महीने मैंने डेली इसको दी है, ताकि कोई भी जैसे मिसकैरेजेस वगैरह के इन्फ्लेमेशन की वजह से या हार्मोन्स इम्बेलेंस होने की वजह से मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं तो वो बिल्कुल ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और टेस्ट भी बहुत मजे का है और बहुत रिफ्रेशिंग है, आप बहुत पसंद करेंगे इसको। और आप सबसे ज़्यादा जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर इतनी न्यूट्रिशन और हर तरह से सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो कवर करती है, और समझ लें कि न्यूट्रिएंट्स का तो बॉम्ब है ये। तो ये एनर्जी ड्रिंक भी है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आप। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत हेल्प भी करता है और बहुत रिफ्रेशिंग भी है। डिजीनेस फील होती है या कम लो फील करती हैं, टायर्डनेस हाँ टायर्डनेस फील होती है प्रेगनेंसी के दौरान में, तो वो भी फील नहीं होती। तो आप किन किन प्रॉब्लम से गुजर रही हैं कमेंट में आप बताएं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि उनका क्योर या रेसिपीज आपको बताऊं कि किस तरह से उनको फिक्स किया जा सकता है या उसका मसला हल किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।